Hello everyone. Welcome again to online session of Monologue Classes. I'm Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. So today is 7th October 2024 and now we'll discuss important news. And the first news is aiming to eradicate child marriage by 2026, says Assam Chief Minister. तो मिस्टर हेमंत कुमार बिस्वा या हेमंत बिस्वा शर्मा हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, उन्होंने एक ना गर्ल्स चाइल्ड के लिए एक स्कीम लॉन्च की है और जिसका नाम है मुख्यमंत्री निजुत मौन मोइना स्कीम। ठीक है, तो ये आसमीज का कुछ इसमें टच है। ये स्कीम को लॉन्च किया गया है और इस स्कीम के द्वारा क्या है कि 1500 करोड़ रुपए इस स्कीम पर खर्च किए जाएंगे, जिसमें कि जो गर्ल्स चाइल्ड हैं उनके लिए एक हायर एजुकेशन का प्रोविजन है। तो मतलब कोई भी लड़की जब तक उसकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं होगी वो शादी नहीं करेगी। इससे क्या होगा कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन है और जो कंसर्न स्टेट की पॉपुलेशन है वो भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी, साथ ही साथ जो लड़कियां हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगी। अब हम इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो पहला क्या है, इस पे 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे 10 लाख जो गर्ल हैं उनको गर्ल्स स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा। सेकंड है, इसकी जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 1.6 लाख स्टूडेंट को दी जाएगी और ये नवरात्रों के दौरान इसको लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है केवल स्कीम का नाम। सेकेंड है आपका कि जो क्लास 12th में पढ़ने वाली गर्ल्स हैं उनको मिलेंगे 1000 रुपए पर मंथ, जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन है उनको 1250 पर मंथ मिलेंगे और जो फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएट हैं या बीएड कर रही हैं उनको 2500 पर मंथ मिलेंगे। दिस पेमेंट विल बी मेड फॉर 10 मंथ, यानी कि ये जो पेमेंट है ये केवल 10 महीने के लिए ही दिया जाएगा जब तक वो स्कूल या कॉलेज में जाएंगी। और फिर आगे स्कीम कहती है कि इसमें एमपी एमएलएज की जो डॉटर्स हैं या मिनिस्टर की जो डॉटर हैं वो उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी, रीजन बीइंग दैट कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग होते हैं तो उनको इस तरह की स्कीम की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, नो मैरिज इज अलाउड फॉर बेनिफिशरीज अंटिल दे ग्रेजुएट एक्सेप्ट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी कि अगर कोई लड़की इस स्कीम का बेनिफिट लेती है तो वो ग्रेजुएशन तक शादी नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई लड़की पीजी में है तो वो शादी कर सकती है। Now we come to next news. And the next news is government revokes national award to Jani Master after Pokso case. तो basically ये जो National Film Award सेल है, यानी कि ये वो सेल है जो फिल्म से संबंधित अवार्ड देती है। अब ये पहले इन्होंने 8 अक्टूबर के लिए शेड्यूल किया था कि जो मिस्टर जानी मास्टर हैं इनको अवार्ड दिया जाएगा 8 अक्टूबर, मतलब कल, ये विज्ञान भवन में। लेकिन अब जैसे ही इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशंस लगे कि इन्होंने किसी लड़की को जो इनके साथ काम करती थी उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया, तो तब फिर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया और इस कंसर्न सेल ने ये डिसीजन लिया कि इनके इनको जो दिए जाने वाला अवार्ड है वो उसको अभी होल्ड पर रखा जाएगा जब तक कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती या इसमें कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आ जाता, तो इसको अभी होल्ड पर रख दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। मुइजू टू मीट मोदी रिक्वेस्ट इंडिया सपोर्ट ओवर लूमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। तो देखिए, मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं ये मिस्टर मोहम्मद मुइजी, ये दिल्ली आए हुए हैं और इनकी ये 4 डेज स्टेट विजिट है। अब यहाँ पर इन्होंने ये मिलना चाहते हैं किससे, भारत के प्रधानमंत्री जी से, और भारत के प्रधानमंत्री जी से ये मिलकर बात करेंगे जो इंडिया के बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं, इनके देश में चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने बहुत सारे कंट्रियों से लोन ले रखा है, तो ये इंडिया से इस बारे में भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके लोन में थोड़ा सा और कॉन्ट्रीब्यूशन किया जाए या लोन के रिपेमेंट में इनकी मदद करी जाए। दूसरी बात यह है, अभी ये रिक्वेस्टिंग फॉर करेंसी स्वैप अरेंजमेंट एंड डेट सपोर्ट ड्यूरिंग द बायलेटरल टॉक, ये हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया इज वन ऑफ द मालदीव्स लार्जेस्ट डेवलप्ड पार्टनर, रिसेंटली हेल्प विद 550 मिलियन बॉन्ड सब्सक्रिप्शंस
वाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू अवर्ट ए क्राइसिस। तो देखिए जो मालदीव्स है इसमें भी किसकी तरह क्राइसिस आया, श्रीलंका की तरह क्राइसिस आया, लेकिन हमारा जो देश है उसने इनकी काफी हेल्प करी। अब ये तो दोनों कंट्रियों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड बायलेटरल एग्रीमेंट। तो अब ये जो इनकी स्टेट विजिट है इसमें ये सिक्योरिटी प्रोजेक्ट से संबंधित या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या बहुत सारे और अदर बायलेटरल इश्यूज पर बात करेंगे। नेक्स्ट है मुइज़ विल आल्सो विजिट आगरा, मुंबई एंड बेंगलुरु ड्यूरिंग हिज स्टे। तो जिस दौरान वो यहाँ रहेंगे वो इन इन प्लेसेस पर मींस मुंबई, आगरा या बेंगलुरु में भी जाएंगे। फाइव लैंग्वेजेस गॉट क्लासिकल टैग आफ्टर की प्रोविजंस ड्रॉप्ड। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। यूनियन कैबिनेट ने पांच लैंग्वेजेस को क्या दे दी है, परमिशन दे दी है कि उनको क्या मिलेगा, उनको उनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलेगा। और वो पांच लैंग्वेजेस कौन सी है, पहली है मराठी, बंगाली, आसमीज, पाली एंड प्राकृत। यहां से आपको क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है, ठीक है। दिस डिसीजन फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ रिक्वायरमेंट दैट ए लैंग्वेज मस्ट हैव बीन ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशंस टू क्वालिफाई। तो पहले एक रिक्वायरमेंट ये थी कि अगर किसी लैंग्वेज को किसका एक क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देना है तो उसके लिए रिगार्डिंग कुछ क्वालिफिकेशंस रखी थी, लेकिन अब एक्सपर्ट कमेटी ने उन सभी क्वालिफिकेशंस को ड्रॉप कर दिया है। और इसलिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जो पांच लैंग्वेजेस हैं जिनका वो हम बोल रहे हैं मराठी, बंगाली, असमीज, पाली एंड प्राकृत, इनको वो मिलेगा क्या, क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस। अब अगर हम आगे देखें, द ओरिजिनल क्राइटेरिया वर फॉर्मेटेड इन 2004 व्हेन तमिल वाज डिक्लेयर्ड एज ए क्लासिकल लैंग्वेज एंड रिवाइज्ड इन 2005 व्हेन संस्कृत वाज आल्सो इंक्लूडेड। तो इसका मतलब क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज फाइव लैंग्वेजेस दो और लैंग्वेज हैं जिनको क्या मिला हुआ है, स्टेटस मिला है क्लासिकल लैंग्वेज का। तो यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तमिल को कब मिला, तमिल को मिला 2004 में और संस्कृत को मिला 2005 में। नेक्स्ट, हाई एंटिक्विटी until recently to be designated as a classical language it needed to meet the specific criteria। to dekhe pehle criteria kya tha, pehle criteria ye tha ke ye jo language hai ye 1500 se 2000 saal purani honi chahiye, possession of a body of ancient literature yani ki iske sambandh mein hamare desh mein ancient literature uplabdh hone chahiye, third hai an original literacy tradition distinct from the other language aur iski jo literary traditions hai वो दूसरी लैंग्वेज से डिफरेंट होनी चाहिए तभी हम इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे, लेकिन अब इन सब क्राइटेरिया को ड्रॉप कर दिया है। नेक्स्ट, यह भी एक स्टेटमेंट आया है मिस्टर जगदीप धनखड़ जी का, और मिस्टर जगदीप धनखड़ जी जैसे आप जानते हैं कि वो भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने कहा है कि द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बाय जुडिशियरी और लेजिस्लेचर इज नॉट इन द लाइन विद द डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो उन्होंने कहा है कि जुडिशरी को और लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव की ऑथोरिटी को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो इसके संबंध में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। देयर इज आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है कि हमारे स्टेट के तीन ऑर्गन्स हैं, पहला है हमारा लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मेन काम होता है लॉ मेकिंग यानी कि कानून बनाना, इसका मतलब होता है एनफोर्स करना कानून को, एनफोर्स द लॉ। और जुडिशरी काम करना होता है टू पनिश द पर्सन हु हैज वायलेटेड लॉ, क्या करना, उस पर्सन को पनिश करना जिसने कानून का वायलेशन किया है। तो इसलिए अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के हिसाब से देखें तो सभी ऑर्गन के अलग अलग काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। तो इसी रेफरेंस में मिस्टर जगदीप धनखड़ जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि जुडिशरी को और लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए,
और ना ही उनके फंक्शन को डिस्चार्ज करना चाहिए। अब ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमने फ्रांस से लिया है और फ्रांस में आता है ये मोंटेस्क्यू की डॉक्ट्रिन से। लेकिन डिफरेंस बिटवीन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन फ्रांस एंड इंडिया इज दैट फ्रांस में वाटर टाइट कंपार्टमेंट है। इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गन दूसरे के ऑर्गन के काम में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में थोड़ी थोड़ी ओवरलैपिंग है। जैसे अगर आप जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैसे तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन उसको मर्सी पेटिशन के मामले में या सजा को माफ करने में कुछ जुडिशरी जुडिशियल फंक्शन भी दिए जाते हैं। क्योंकि जब हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो हम जो मर्सी पेटिशन है हमारी किसके पास फाइल करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास फाइल करते हैं। तो हमारे देश में जो फंक्शंस है उसमें ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट इनका सही है कि अननेसेसरीली एक ऑर्गन को किसी दूसरे ऑर्गन के मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा किया जाएगा तो देन इट वुड बी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरेलिटी एज वेल। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायोलेशन माना जाएगा। सेंटर रेस्टोर रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी, तो जो भारत सरकार है उसने दोबारा से जो रेलवे रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसको रेस्टोर कर दिया है। तो हम समझते हैं पहले क्या थी। देखिए जो पहले जो रेलवे ऑफिसर्स हैं वो दो तरह से उनका सिलेक्शन होता था, पहला सिविल सर्विस यूपीएससी के द्वारा और दूसरा होता था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ईएसई के द्वारा, ठीक है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि अब जो भी रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो केवल सिविल सर्विसेज के द्वारा ही आएंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो इंजीनियर लोग थे या जो कि इंजीनियर सर्विस वाले लोग थे उनकी पोस्ट में थोड़ा डिसबैलेंस हो गया। तो अब उनकी पोस्ट को बैलेंस करने के लिए देखिए हमें इंजीनियर लोग की भी आवश्यकता है और हमें सिविल सर्वेंट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर ही लोगों की आवश्यकता है। तो अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि केवल इनका अपॉइंटमेंट वहां से होगा, सिविल सर्विस मतलब यूपीएससी से होगा, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने पाया कि अब हमको इंजीनियर लोगों की भी आवश्यकता है। तो गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी पहली थी उसी को रिज्यूम कर लिया और गवर्नमेंट ने यूपीएससी से रिक्वेस्ट की है कि जो भी इस बार का नोटिफिकेशन आएगा उसमें ईएसई मतलब जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की पोस्ट को भी इंक्लूड किया जाए। So, dear students, I have discussed all the important news of today's newspaper. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.